इस आज जो बनाने वाले हैं बहुत टेस्टी नाश्ता ट्रस्ट मी ये इतना अच्छा बनने वाला है इतना यम आप सैटरडे संडे से जरूर ट्राई करें सबसे पहले एक बर्तन लेंगे उसमें एक कटोरी आटा डालेंगे आटा डालने के बाद आधी कटोरी सूजी अजवाइन डालेंगे थोड़ा सा घी सॉल्ट डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे जैसा की आप मुझे देख पा रहे हैं सेम ऐसे ही और इसके बाद थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि आटा सूखे नहीं एक कढ़ाई लेंगे उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जीरा डालेंगे मस्टर्ड सीड डालेंगे लहसुन अदरक डालेंगे और साथ में डालेंगे हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर और साथ में बीन्स थोड़ा सा सॉल्ट और पनीर को इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे तीन बॉइल पटाटो उसमें ऐड करेंगे हरा धनिया ऐड करेंगे और सब्जी अच्छे से तैयार कर लेंगे उसके बाद एक कटोरी लेंगे उसमें लेंगे देसी घी और थोड़ा सा आटा उसमें डाल के मिक्सर तैयार कर लेंगे उसके बाद लोई को बेलना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से हम ऑयल को लगाते जाएंगे यानी देसी घी जो हमने बनाया था उसको इस तरीके से लगाते जाएंगे यहाँ पे मैंने बहुत सारी रोटियां बेल ली है एक के ऊपर एक लेयर में रख रही हूँ ताकि जल्दी बन जाएंगे आप सिंगल भी पका सकते हैं इस तरीके से आपको प्रॉपर बेल लेना है दोबारा से देसी घी लगाना है रोल करना है और इस तरीके से इसकी लोइयों को कट कर लेना है अब आप दोबारा से इस तरीके का पराठा बना लेंगे साइड के कॉर्नर्स कट कर देंगे और बीच में स्टफिंग करके इस तरीके से फोल्ड कर देंगे आप इसमें कोई भी शेप बना सकते हैं मेरे को ये वाली शेप बहुत ज्यादा पसंद है उसके बाद इसको डीप करेंगे देन इसके बाद हम इसको चटनी या सॉस के साथ या फिर चाय के साथ एंजॉय करेंगे ट्रस्ट में ये इतना टेस्टी और इतना क्रिस्पी है ना मैं तो चलिए इसे खाने आप भी इसे एंजॉय करें